नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गौरव आरटीए सोशल एक्टिविस्ट प्यार नाल एक नाम था सच्चा याद। दोस्तों बदलाव, जी हाँ बदलाव सोचा असी यही कि बदलाव आएगा और बदलाव होएगा। बदलाव नाल लोगों नूं सुविधावां मिलणगियां, फैसिलिटियां मिलणगियां, लोगों नूं परेशानी नहीं मिलेगी और सब तो वड्डी गल भ्रष्टाचार तो मुक्ति मिलेगी, भ्रष्टाचार तो। लेकिन भ्रष्टाचार तो मुक्ति मिलने की बजाय भ्रष्टाचार तो उल्टा वध गया वै। मैं अज जिस जगह उत्ते खड़ा वा ये हैबोवाल, जी हाँ वड्डी हैबोवाल, थाने वाली रोड कहिंदे इहनूं, थाने वाली रोड कहिंदे इहनूं। और मेरे बिल्कुल पिछे तुसीं देख सकदे हो जिस जगह ते मैं खड़ा वा, तुसीं देखो उपर सेवा केंद्र लिखिया वै, सेवा केंद्र लिखिया होया वै, आ उपर तुसीं पढ़ सकदे हो। और इत्थे की चलदा पिया वै, की भ्रष्टाचार का खेल खेडिया जा रहा वै, किवें लोकां नूं लुटिया जा रहा वै। मैं अज सवाल करदा सरकारां नूं, अज सवाल करदा अपने रिस्पेक्टेड सीएम भगवंत मान साहब नूं, सवाल करदा डीसी लुधियाणा नूं कि अज खेल की चल रहा वै। आ मेरे हाथ में जिहड़े कागज आ उत्तर मैं मिला लिया, उत्थे की होणा आज अंदर आ पुत्तर आ सुविधा केंद्र दे विच, सेवा केंद्र दे विच असीं मौजूद आ। और आ मेरे हाथ में एक कागज है, ये कागज के उत्ते किसी भी तरह का यह फार्म है, यह फार्म इतों दिता गया। यह बच्ची ने स्कूल का इनकम सर्टिफिकेट जोड़ा है वह इतने बनवाण ली आई सी। बेटा कितने है, बुलाओ जरा बच्ची, बुलाओ जरा बेटा, इधर आओ बेटा। ये जो फार्म है तुसी, ये किस चीज़ का फार्म है? इनकम सर्टिफिकेट स्कूल का फार्म है ना बेटा। और ये फार्म जो है तुम इतों लिता वै, ये फार्म इन्होंने फ्री लिता वै, दस रुपये इन्होंने फार्म के लिते है, तो सौ रुपये भरन के लिते है। आ कि भी तुम देख सकते हो कि उपर कित लिखा वै कि दस रुपये तुम फार्म के देने है या कोई होर चार्जिज देने है। आ हालात बद तो बदतर है, अब तुम देख सकते हो मान साहब। मैं डीसी लुधियाणा भी पूछना चाहना कि अभी की हो रहा है लोगों सेवा केंद्र के सेवा, यह सेवा हो रही है, यह सेवा हो रही कि लुट हो रही है? भ्रष्टाचार तो बढ़िया वै, घटिया नहीं है। ये वैस्ट हलका मेरे ख्याल पैंदा वै, और लुधियाने का यह थाने वाली रोड कहते हैं सेवा केंद्र खुलिया होया वै। कि ने बेटा तेरे को भरन दे फार्म, भरन दे पैसे कि दिते है? कौन सी कितने बैठे थे? उत्थे बैठे थे, इधर आओ कि कुर्सी से बैठे थे? मैडम कौन बैठे थे पहले, जिसका थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगा कौन बैठा थी इस कुर्सी से। मैडम जिम्मेदार अधिकारी हो, तुम अंदर की साइड पे किवें किसी बैठ देता है? तो पता नहीं है ये पैसे लिते गए, पता कि नहीं पता तो पैसे नहीं लिते बेटा। बेटा इसी कुर्सी से बैठे बंदे ने लिते है ना, इसी कुर्सी से इस शीशे के परली साइड चार नंबर से परली साइड जोड़ा बंदा बैठा से उन्हें लिते है ना, लिते तो सौ रुपये एक लिता है, दस रुपये तो फार्म में लिते है। सो तुसी देख सकते हो कि अज जनता किन्नी परेशान है, अज लोग किन्ने परेशान है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, हालात बत्तो बत्तर है। यह सेवा केंद्र है, यह सेवा केंद्र है। मेरी बेनती है इतने कोई भी सेवा केंद्र के भी आता वै तो वह किसी भी तरह के कितने भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब हालात देखो। और शर्म आनी चाहिए तुम सारे, शर्म आनी चाहिए है जो तुम खेल खेलते पे ना बैठ के लोगों को भ्रष्टाचार फैलाने पे हो, लोगों को पैसे लेने पे हो। की नाम है बेटा गुरिंद्र? आशा, आशा बेटा थोड़ा की नाम है? जो बंदा अंदर पहला बैठा हुआ भजा दिता गया वै, उन्हें सरेआम भजा दिता गया वै। एक स्कूल का इनकम का एक सर्टिफिकेट लैंड वास्ते भी सौ रुपया भरन का सेवा केंद्र, फिर सेवा कहीं रह गई, लुट भी आ रही है, भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए, बंद कर देने चाहिए यह अड्डे। रसीद इस बच्ची का कसूर है, इस बच्ची का देखो हर सेवा केंद्र अलग अलग तरह के फार्म होंगे है, लोगों को नहीं पता, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ठीक है किसी फार्म के उत्ते आज भी जगह लिखी होती है, जे किसी फार्म के उत्ते मैं तो लोगों को उजागर करना चाहता, लोगों को जगाना चाहता, जे किसी फार्म के उत्ते गवर्नमेंट फीस दस रुपये लिखी है और फैसिलिटेशन चार्जिज पचास रुपये लिखे है तो रसीद लो दोस्तों। लेकिन आ बच्ची के नाल जिन्हें जिन्हें बेचारी ने
अब देखो इनकम सर्टिफिकेट स्कूल का लैन आई है इतने किसी तरह का कुछ मैंशन नहीं है, लेकिन उनके को भी 100 रुपया भरन का ला लेना, 10 रुपये फार्म का ला लेना और फिर कहना कि मैं पता नहीं जितने अंदर कौन बैठा सी।